दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम मानसून सीजन में मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बारिश के चलते मोहंड के जंगलों में बरसाती नदी उफान पर है। नदी में एलिवेटेड रोड का ढांचा खड़ा तो होने लगा है, लेकिन बरसात में काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जहां कल तक निर्माण कंपनी के डंपर गुजर रहे थे, वहां आजकल नदी का पानी पूरे सबाब से बह रहा है। कई जगह मशीनें खामोश खड़ी हैं और निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है। पानी का वेग इतना है कि नदी में काम करना खतरे से खाली नहीं है। एक तरफ जहां मानसून ने नदी में निर्माण पर ब्रेक लगाया है, वहीं दूसरी तरफ डाटकाली में नई टनल का काम नॉनस्टॉप जारी है। पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सबसे चुनौतीपूर्ण फेज से जुड़े अनदेखे पहलू। देहरादून से जब डाटकाली का रुख किया तो मौसम साफ था। आगे मोहंड के जंगलों से गुजरने लगे तो तेज बारिश होने लगी। बारिश में कदम ठिठक गए और इंतजार होता रहा बूंदों के थमने का। जंगल के चारों तरफ नजर डाली तो हरियाली ने मन मोह लिया। छोटे छोटे गाढ़ गदेरे बह रहे थे। जंगल की हरियाली मन मोहित कर रही थी। दिल्ली देहरादून रोड पर वाहन दौड़ रहे थे। नीचे बरसाती नदी, जिसे मोहंड रो भी कहा जाता है, वह उफान पर थी। यह वही नदी है जिसके ऊपर से 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। आमतौर पर नदी में नाम मात्र का पानी रहता है, लेकिन बरसात में नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। मौसम साफ हुआ तो मोहंड से पहले ही लौटने का फैसला किया। सड़क से नीचे नदी में निर्माण कार्य का जायजा लेने उतरे। देखा कि एलिवेटेड रोड के पिलरों से टकराती हुई नदी बह रही है। ये देखिए, यह पिलर नंबर 97 है, जिसे 11 जून को तैयार किया गया होगा। यहाँ आपको बता देते हैं कि एलिवेटेड रोड के लिए नदी में सैकड़ों पिलर बनने हैं। ज़्यादातर की बुनियाद डाली जा चुकी है। करीब 150 पिलर खड़े भी हो चुके हैं, लेकिन जिन जगहों पर नदी का बहाव तेज है, वहाँ पिलर निर्माण का काम बंद पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर मशीन किनारे पर खड़ी है। यहाँ ये पिलर अधूरे हैं। नदी का पानी पिलरों को छूकर निकल रहा है। ऐसे में काम करना आसान नहीं है। नदी के दूसरे छोर पर जाना भी बहुत मुश्किल है। आगे देहरादून की ओर बढ़ने पर इस जगह पर देखिए, लैंडस्लाइड हुआ है। शायद नदी का रुख मुड़ने से कटान हुआ होगा। ऐसे में नदी में सुरक्षा दीवार दी जा रही है। सड़क को सुरक्षा के दृष्टिगत कवर किया गया है। अब जो आप देखेंगे, उससे समझ पाएंगे कि जंगल और बरसाती नदी में काम करना कितना मुश्किल है। ये देखिए, कैसे पिलरों के बराबर से नदी बह रही है। और अब आप इस साल मार्च का वीडियो देखिए, तब और अब की वीडियो से समझ सकते हैं कि जहां पहले आसानी से डंपर और मशीनें काम कर रही थी, वहां इस वक्त नदी बह रही है। और ऐसे में काम करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कुछ पिलर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर यानी एलिवेटेड रोड का ढांचा भी रखा जाने लगा है, लेकिन बरसात के चलते अभी फिलहाल काम बंद है। इससे थोड़ा आगे जाकर फिर नदी में उतरकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पिलर की बुनियाद के लिए सरिया बांधा गया है, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस जगह पर काम बिल्कुल बंद था। ये देखिए, यहाँ पर पिलर का निर्माण होना था, लेकिन पानी के बहाव के कारण सरिया का ढांचा ढह गया है। बहाव बहुत तेज है। पूरे क्षेत्र में नदी का शोर गूंज रहा है। नदी के फैलाव को देखिए, इसमें कई बार बरसात में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। ऐसे में ज्यादा देर नदी में रुकना खतरनाक हो सकता है। इस बरसाती नदी में शिवालिक पर्वत मालाओं से आ रही कई जल धाराएं मिलती हैं, जिससे आगे जाकर पानी काफी बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखिए, मशीन खड़ी है और काम बंद पड़ा है। यहाँ पर पिलर तैयार होना होगा, लेकिन नदी का पानी आ गया है।
ऊपर जब सड़क पर लौटे तो देखा कि शैतान बंदरों ने एक्टिवा की सीट फाड़ दी है। आप भी कभी यहाँ से गुजरें तो इन बंदरों से जरा बच कर रहें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर भी आप देखेंगे कि बारिश के चलते काम प्रभावित हुआ है। मार्च में इस जगह पर नदी में वाहन गुजर रहे थे और अब देखिए पानी बह रहा है। देखिए बरसात के चलते किस तरह से काम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से देहरादून करीब 18 किलोमीटर दूर है। इधर भी काम की रफ्तार धीमी पड़ी है। कुछ आगे चलने पर एक जगह पर पिलरों का काम होता हुआ दिखा। पता चला कि नदी का रुख मोड़कर यहाँ काम किया जा रहा है। ये देखिए मलबे का पहाड़ खड़ा कर नदी की धारा को मोड़ दिया गया है। निर्माण कंपनी के स्टाफ ने बताया कि लेबर भी बहुत कम है। पिछले हफ्ते बारिश के चलते एक दो दिन भी ठीक से काम नहीं हो पाया। यहाँ इस जगह पर नदी के ऊपर से आ रही एलिवेटेड रोड खत्म हो जाएगी और सड़क और पुलों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस वक्त हम उस ऊंचाई वाली लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां से सामने डाटकाली मंदिर के पास निर्माणाधीन टनल नजर आ रही है। यहां का नज़ारा बहुत भयावह है। पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं। देखिए कैसे पहाड़ काटकर जमीन समतल हो रही है। नीचे देखिए ये दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहन गुजर रहे हैं और ऊपर नए 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। अब आते हैं डाट काली के पास बन रही नई टनल पर। यहाँ काफ़ी काम हो गया है। हालांकि टनल की सड़क मलबे से सनी हुई है लेकिन बरसात के बाद भी तेज़ी से काम चल रहा है। यह टनल का सहारनपुर वाला छोर है, वेस्ट पोर्टल यानी पश्चिमी हिस्सा। अंदर काफ़ी गहराई तक काम हो गया है। ये देखिए मार्च का वीडियो, कब टनल की ड्रिलिंग की शुरुआत भर हुई थी। इसके बाद ये अप्रैल का वीडियो है, इसमें मुहाने से थोड़ा भीतर खुदाई चल रही है। जबकि इस वक्त अगस्त में अंदर जहां तक नज़र जाती है टनल की खुदाई हो चुकी है। चूंकि आगे जाने पर प्रतिबंध था इसलिए अंदर नहीं जा सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह 3 लेन सुरंग जल्द ही आर पार हो जाएगी। 340 मीटर यह सुरंग 13 मीटर चौड़ी और 7 मीटर ऊंची होगी। टनल आर पार होने के बाद अंदर मशीनें आ जा सकेंगी जिससे काम में आसानी होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले टनल का निर्माण ही पूरा हो जाएगा। इधर ये टनल का देहरादून वाला छोर है, ईस्ट पोर्टल यानी पूर्वी हिस्सा। इस तरफ से भी ड्रिलिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ बारिश के कारण मिट्टी दलदल में बदल चुकी है इसलिए आगे नहीं जा सके। मिट्टी में पैर धंस गए तो ये हाल हो गया, इसलिए लौटना ही बेहतर समझा। डाटकाली से देहरादून के आशा रोड़ी के बीच जहाँ से एलिवेटेड रोड गुजरनी है वहाँ जंगल साफ हो चुका है। कहीं कहीं पर पेड़ों के साथ साथ पहाड़ भी काटे जा रहे हैं। पेड़ों की जगह निर्माण सामग्री और मिट्टी के ढेर लगे हैं। आशा रोड़ी तक पुरानी सड़क के समानांतर ही नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यह एंड पॉइंट है। तो आप जान ही चुके होंगे कि बड़ी बड़ी मशीनें इतनी भी आ जाएं, प्रकृति के साथ किसी की नहीं चलती। नेचर से छेड़छाड़ कर नदी में विशाल का स्ट्रक्चर खड़ा करना कितना सही है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। बड़ा जोखिम उठाकर आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।